दोस्तों इस वक्त भारत कतर के साथ अपने आठ रिटायर्ड नेवी के अफसरों को लेकर एक बड़े डिस्प्यूट में उलझा हुआ है भारत इसी कोशिश में लगा हुआ है कि हम कैसे भी करके कतर से अपने आठ नेवी के अफसरों को सही सलामत वापस ले आए लेकिन ऐसा लगता है कि रशिया भारत की मुसीबतों को कम नहीं होने देना चाहता दरअसल हाल ही में अमेरिका के पेंटागन की तरफ से आई एक रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया है कि रशिया अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के द्वारा लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल को एयर डिफेंस के लिए अपने एडवांस वेपन डिलीवर कर रहा है और ये वेपन रशिया इसराइल के खिलाफ काउंटर अटैक प्रोवाइड करने के लिए दे रहा है हिजबुल्ला इसराइल द्वारा गाजा में की जा रही बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन ऐसी काफी ज्यादा नाराज है और इसलिए हिजबुल्ला की तरफ ऐसी लगातार इसराइल के ऊपर आर्टिलरी सेल्स और रॉकेट ऐसी हमला किया जा रहा है लेकिन इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्ला के कैंप्स और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर उसके सभी अटैक्स को नाकाम कर रही है जिस वजह से हिजबुल्ला चाहकर भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा और इसी मौके का फायदा उठाकर रशिया मिडल ईस्ट के देशों में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए हिजबुल्ला को अपने या यू की ऐसे ट्वेंटी सप्लाई कर रहा है ये सिस्टम एक तरह का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस एक तरह के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो की अपनी रेंज में आने वाले किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा सकते हैं इस सिस्टम को ट्रक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही

नी प्रेगुज़न की हत्या हो गई थी और आज की डेट में इस ग्रुप को प्रेगुज़न की जगह उनका बेटा पावेल प्रेगोजन लीड कर रहा है अब वैगनर ग्रुप न सिर्फ हिजबुल्ला को ये डिफेंस सिस्टम हैंड करेगा बल्कि इस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी देगा और ये इतिहास में पहली बार होगा जब खुद सऊदी यूएई और गल्फ यूनियन के साथ साथ दुनिया के अधिकतर देशों के द्वारा ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो चुके किसी संगठन को इस तरह के हाईटेक हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हो ऐसे ट्वेंटी टू सिस्टम इसराइल के खिलाफ कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप लोग इसी बात ऐसी लगा सकते हैं की इस डिफेंस सिस्टम की ट्रैकिंग रेंज सत्तर किलोमीटर और अटैकिंग रेंज लगभग 50 किलोमीटर है इस एक डिफेंस सिस्टम से नब्बे परसेंट एक्यूरेसी के साथ एक बार में बारह मिसाइल को फायर किया जा सकता है इसके अलावा इस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना इतना ज्यादा आसान है कि इसे केवल तीन लोग ही मिलकर चला सकते हैं इस डिफेंस सिस्टम से न सिर्फ एयरक्राफ्ट बल्कि अपकमिंग मिसाइल के साथ साथ ड्रोस को भी निशाना बनाया जा सकता है हालांकि इसमें अमेरिका का कहना है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला को मिल चुके हैं या फिर डिलीवर होने बाकी है उसके लिए अभी अमेरिकन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है आपको बता दे कि की रशिया की इसराइल के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं बल्कि वो ये सब अमेरिका को उलझा कर रखने के लिए कर रहा है क्यूँकी रशिया का मानना है की जितना लंबा इसराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना कम अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएगा जिससे अल्टीमेटली रशिया को यूक्रेन में इसका एडवांटेज मिलेगा और वो यूक्रेन पर हावी हो जाएगा लेकिन इससे इसराइल के साथ साथ भारत पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि एक तो भारत इसराइल हमास युद्ध में इसराइल के साथ खड़ा है इसलिए कल को अगर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हुई तो हमें दोनों में से किसी एक साइड को चुनना ही पड़ेगा जो की हमारे लिए इजी नहीं होगा और दूसरा हिजबुल्ला को एडवांस देकर कहीं ना कहीं रशिया ग्लोबल पीस के लिए खतरा पैदा कर रहा है और टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है जिस वजह से भारत के लिए रशिया के साथ अपने ट्रेड टाइस को आगे बढ़ा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसलिए अब शायद समय आ चुका है कि जब भारत को कहीं ना कहीं रशिया को एक कड़ी वार्निंग के साथ उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसिस को उसे समझाना चाहिए खैर आप सभी लोगों को क्या लगता है रशिया जो हिजबुल्ला को एयर डिफेंस सिस्टम जैसे खतरनाक हथियार दे रहा है क्या ऐसा करना सही है या फिर भारत को रशिया को ऐसा करने से रोकना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एस नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जय हिंद जय भारत